इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच दूसरा दिन मैच नहीं हो पाया एक गेंद भी नहीं हो पाई और अब तक दो दिन हो चुके हैं सिर्फ थर्टी फाइव का गेम हुआ है और 107 बनाए बांग्लादेश की टीम ने अब तक और तीन आउट हुए हैं अब तीसरे दिन आ गई बात अब तीसरे दिन क्या बनेगी इस मैच में बात ये एक बड़ा सवाल रहेगा और क्या तीसरे दिन भाई मौसम कितना खेल बिगाड़ेगा और क्या डब्ल्यू फाइनल पर इस मैच का अगर मान लीजिए रद्द हो गया तो फिर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस मैच का उस पर ही बात करेंगे और रविवार का दिन रविवार का दिन भाई कानपुर में मौसम कैसा रहने वाला उस पर भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ अगर ये मैच मान लीजिए पूरा होगा तो फिर कैसे होगा और किस टीम को ज़्यादा फ़ायदा होगा उस पर ही बात करेंगे लेकिन इस मैच में अगर आप देखें तो टीम इंडिया ने भाई टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बहुत रेयर देखते हैं कि कोई टीम टॉस जीती है इंडिया और उसके बाद फील्डिंग ले ले बहुत ही कम रेयर होता है क्योंकि यहाँ तो अमून बैटिंग ही की जाती है लेकिन रोहित ने भाई डिसीजन लिया हमारे कैप्टन ने कि हम टॉस जीतेंगे और पहले फील्डिंग करेंगे और बांग्लादेश ने ठीक ठाक शुरुआत दी थी और वहाँ पर देखें ट्वेंटी नाइन फोर टू हो गया था और फिर सेवेंटी फोर फो टू था लंच तक और उसके बाद फिर तीसरा विकेट गिरा और 107 रन तक यह स्कोर चला उसके बाद मैच नहीं हो पाया बैड लाइट की वजह से दूसरा दिन कोई गेंद नहीं फेंकी गई अब तीसरा दिन है सबसे इंपॉर्टेंट और वैसे कहा भी जाता है टेस्ट क्रिकेट में जो तीसरा दिन होता है वो मूविंग डे होता है यानी कि रिजल्ट आ सकता है तीसरे दिन और ऐसे में अब तीसरा दिन भाई मौसम कितनी मार करेगा मौसम क्या सही रहेगा खराब करेगा लेकिन एक नजर मौसम पे डालते हैं भाई मौसम क्या रहने वाला है रविवार के दिन रिपोर्ट की माने तो रविवार को कानपुर में बारिश होने की 61 वन परसेंट चांसेज है साथ ही बूंदाबांदी का पूर्वानुमान भी है जहां तक हर घंटे के पूर्वानुमान का सवाल है शनिवार शाम से लेकर रविवार सुबह तक कानपुर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है रविवार सुबह के पूर्वानुमान के अनुसार आपको बता दें सुबह साढ़े बजे से दोपहर साढ़े के बीच बारिश हो सकती है जिसके बाद आसमान बादल छाए रहने की संभावना है यानी कि रविवार के दिन भी आपको बता दें कि 10:30 से लेकर 12:30 के बीच भाई बारिश हो सकती है और उसके बाद भी आसमान में काले बादल छाए रहेंगे यानी कि कभी भी भी बारिश हो सकती है 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 तो क्रिकेट फैंस के लिए ये भी अच्छी खबर नहीं है, अच्छे नहीं अच्छे साइन क्योंकि जो क्रिकेट फैंस है हम चाहते हैं कि यार मैच हो भाई एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट हो क्योंकि बांग्लादेश भी देखिए फाइटिंग स्पिरिट दिखाई उन्होंने सेकेंड टेस्ट में देखें तो फर्स्ट इनिंग में जैसे अब तक खेले हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में बैटिंग करना उतना आसान नहीं था और एक सौ पांच भी हो सकती थी ये टीम लेकिन इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है इन्होंने अच्छा इंटेंट शो किया और खासकर मुशफिक रहीम हम कहते हैं मुश्फिक बेफिकर और इस वक्त तो मुशफिकुर भाई पंजा गाड़े हुए हैं और साथ में उनका जो साथ दे सा मोमन हक ये एक ऐसे बैट्समैन है जो अच्छा खेलते हैं स्पिन को और मुश्फिकुर भी अच्छा खेलते हैं और बैकफुट पर बड़े अच्छे शॉट्स लगाते हैं अब तक दोनों अच्छे लय में नजर आए हैं तो ऐसे में उम्मीद कर सकते कि यार तीसरा दिन अच्छा हो और मजा भी आए लेकिन दोस्तों आप भी बताइए आपको क्या लगता है भाई तीसरे दिन क्या मौसम की मार पड़ेगी इस मैच पर या ये मैच भाई अगर होगा तो फिर कौन जीतेगा आप ही बता दीजिए मुझे तो ऐसा लगता है कि यार इंडिया भले ही जीत जाए लेकिन बांग्लादेश भाई कम नहीं आंकना चाहिए इस मैच में क्योंकि बांग्लादेश भी अच्छा खेला अब तक एज ऑफ नाउ तो और उनके पास मैं तो हमेशा कहता हूं कि बैटिंग उनकी ना नंबर तीन से स्टार्ट होती है आप टॉप ऑर्डर देखें भाई टॉप ऑर्डर तो कुछ खास कर ही नहीं पाता है जाकिर हसन तो बड़े जल्दी आते और जल्दी चले जाते हैं और उसके बाद देखें तो यहाँ पर हसन शांटो से बड़ी उम्मीदें थी कि उन कैप्टन उस टीम के भाई उन्होंने चेन्नई टेस्ट के सेकेंड इनिंग में भी अच्छी रन बनाए थे अच्छा इंटेंट शो किया था मुझे लगा था यहाँ भी रन बनाएंगे बट वो जल्दी आउट हो गए अश्विन ने फंसा लिया उनको लेकिन अब जो दोनों बल्लेबाज हैं भाई भई रहीम और साथ ही साथ उनके जो एक और बल्लेबाज है नाम अमिन है और कहते भी साडा हक एथे रख वो भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और रन बना सकते हैं और जो नीचे आने वाले बल्लेबाज हैं उसमें लिटन दास होंगे मेहदी हसन मिराज होंगे तो कहीं ना कहीं बैटिंग है इनके पास अच्छी खासी बैटिंग है और बस शाकिब अल हसन कैसा देंगे स्टार्ट वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो नीचे आकर रन बना सकते हैं तो अगर इन्होंने यहाँ से दो सौ सौ रन बना लिए तो फिर टीम इंडिया फंस सकती है कानपुर टेस्ट में बिकॉज सेकेंड इनिंग में भाई ये बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो टीम फोर्थ मतलब सेकंड इनिंग करेगी भाई चौथी पारी में खेलेगी वो टीम फंस सकती है इस मैजान पर क्योंकि ये ब्लैक सोल विकेट है और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर के थोड़ा सा अनुकूल होता चला जाएगा क्योंकि गेंद स्कीड करेगा थोड़ा नीचा रहेगा तो ऐसे में मेहदी हसन मिराज इस टीम के लिए सबसे बड़े एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं तो भारतीय टीम हर हाल में यह चाहेगी अगर मैच होगा तीसरे दिन तो भाई पहले सेशन में ही जल्दी से जल्दी विकेट निकाले जाएं क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर होगा विकेट के ऊपर और ऐसे में भाई सिराज और बुमराह दमखम के साथ गेंदबाजी करेंगे और चाहेंगे कि भाई शुरू में ही निपटा दिया जाए विकेट्स को लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है बांग्लादेश बड़ी हसरत के साथ आया बड़ी उम्मीद लेकर आया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश अगर आप देखें तो अब तक जो आठ टेस्ट सीरीज हुई है इस सीरीज इस सीरीज से पहले अब तक एक भी सीरीज जीत नहीं पाई बांग्लादेश की टीम एक तो छोड़िए मैं कहता हूँ मैच भी नहीं जीत पाई हूँ टू में ऐसा हुआ था कि उन्होंने ड्रॉ करा था अब तक एक भी मैच वो जीते नहीं है लेकिन क्या वो कानपुर में इतिहास बदल पाएंगे और क्या भारत ये क्लीन स्वीप कर पाएगा ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल रहेंगे लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए भाई टीम इंडिया ये चाहेगी कि डब्ल्यू जो साइकिल तीसरी बार हमने खेलना उससे पहले जो ये दो तीन टास्क है ना एक तो बांग्लादेश के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी दो जीरो से जीती जाए क्लीन स्वीप किया जाए न्यूजीलैंड को हराया जाए लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो ये होगा कि रोहित विराट के रन आ जाए रोहित विराट के रन आ जाए और कानपुर में रोहित विराट चाहेंगे भी हम रन बनाएं लेकिन कैसे बनाएंगे ये एक कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा क्योंकि यहाँ पर भाई बैट्समैनों का भी रियल टेस्ट होगा अब क्योंकि विकेट में देखा अगर आप ऑफ द विकेट देखेंगे ना थोड़ी बहुत मूवमेंट है और ऐसे में भाई उनके पास जो तेज़ गेंदबाज़ हैं वो कहीं ना कहीं कमाल दिखा सकते हैं और खासकर जो नाहिद राणा इनफैक्ट या फिर आप कहें कि उनके पास जो तेज़ गेंदबाजी है वो काफ़ी सक्षम है तो ऐसे में भारतीय टीम को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और मेहदी हसन मिराज जैसे मैंने आपको बताया कि वो कैसा गेंद करते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा तो इस मैच की पल, पल की अपडेट आपको कहां मिलेगी ओनली और न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यू आर कोड को स्कैन करें